बकुल 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 वसावड़ा बकुल वसावड़ा अरे लोलू तू अरे तुझे अपने घर में ऐसे डाकू का बेस लेके आने की क्या जरूरत है बोल क्या चोरी करने आया था बोल मैं कुछ चोरी करने थोड़ी आया था मैं तो डाकू बन के इस चापड़ी को डराने आया था ताकि वो अपने मुंह से बोले विष्णु जी पर इस चापड़ी ने तो बोला डाकू और पता नहीं कहां से मैडम आ गई और मुझे पेल दिया सॉरी रेखा जी को तेरी वजह से बिना वॉशिंग पाउडर के ढोलू की धुलाई हो गई और मैं हूँ खतरों की खिलाड़ी हिना खान अच्छा ये ना ये ढोलू है ये ढोलू मेरा बेटा और मैं ढोलू की मम्मी कोकिला और ये ढोलू की बीवी है जिग्ना हेलो हाय सॉरी जय श्री कृष्णा मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ और मैं आपके लिए जलेबी पापड़ा नाश्ता लेके आती हूँ और मैं बाम लेके आता हूँ अपने लिए क्या मारा है आपने I'm so sorry one second I'm very sorry मैंने आपको गलत समझा your wallet हाँ thank you This is Sheena, my friend. Lucha. और ये आपकी वाइफ जिग्ना? हसा. Oh my God. मतलब आपकी दो? नहीं नहीं. वो तो मेरी कजिन वाइफ है. आपके खिलाड़ी में मैं पार्टिसिपेट करने गई थी और यहाँ स्टंट्स तुम दिखा रहे हो? One second. Just wait. I'm going to call Sheena right away. अरे नहीं रुको. मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना. कोई मंडल नहीं करते हैं. स्पेन से तो मैं आ गई लेकिन मुंबई में ऐसे ऐसे स्टंट्स देख रही हूँ ना कि पूछ मत What do you mean? Your husband बकुल मैं अभी उसी के साथ हूँ और यहाँ उसके घर में एक और लेडी रह रही है जिग्ना नाम की You know about it? जिग्ना तो तुम्हारी बीवी है ना हैरी कमाल करता ये ने भाई तू पहनना जिग्ना की अंगूठी Of course I know. What? And you're okay with it? I mean, तुझे कोई एतराज नहीं है? हाँ, मुझे क्या एतराज होगा? अब वो वहाँ नहीं रहेगी तो बेचारी कहाँ रहेगी? Okay, चल, I'll see you. Bye. Okay, see you, bye. अजीब सामान आ गया है, इतना मॉडर्न. खैर कोई नहीं. जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? Exactly. My wallet, please. Sorry. I'm sorry again. Thank you. Hina Ben, आइए. अदरक वाली चाय और हमारे महावीर नगर का फेमस पापड़ा जलेबी ले लीजिए आइए बैठिए थैंक यू नहीं नहीं मुझे नहीं आता गाना फिर कोई नहीं तुम ही गा लो नहीं नहीं भाई इसको गाने के लिए मत बोलो अगर ये गाना गाएगी ना तो आड़स पड़ोस वाले सब भाग जाएंगे नहीं नहीं आप गाने दीजिए ना मैं सुनना चाहती हूँ प्लीज सिंग कौन सा गाऊं? अब लग जा गले ही गा दो लग जा गले ये फिर हसी रात हो न हो शायद बस बहुत बहुत अच्छा गाती हो यू नो व्हाट जिग्ना तुमको फाइट सीखने की कोई जरूरत नहीं है तुम बोली थी तुमको फाइट सीखनी है मतलब तुम बस गाना गाओ और फिर देखो चोर डाकू तो क्या आस पड़ोस वाले भी भाग जाएंगे आप सही कह रही थी वैसे दो लाइन आप गा दीजिए ठीक है हाँ, शुक्रिया लग जा गले के फिर ये हसी रात हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले नहीं मुझसे नहीं होगा एक तो आप हील पहन के डांस करवा रहे हो मुझसे नहीं होगा इधर आओ कैसे नहीं होगा तुम्हें डांस करना पड़ेगा मेरे साथ चलो मेरी कमर पे हाथ रखो जल्दी तो मैं क्या कह रहा हूँ मैम मैम नहीं शीना हाँ
चीना मैम, अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर डांस करके जलाना ही है बकुल को तो हम दोनों मस्त गरबा करते हैं ना। सनेडो सनेडो लाल लाल सनेडो, हे सनेडो। स्टॉप इट, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि गरबा करने से बकुल को जलसी फील होगी? नहीं, यू नो व्हाट हैरी, डांस तो सेंसेशनल होना चाहिए। बकुल को लगना चाहिए कि हम दोनों के बीच में लिटरली कुछ कुकअप हो रहा है। I mean, कुछ चल रहा है दोनों के बीच। Now come closer to me, come on. अब नहीं, it's okay. मैं कौन सा दूर खड़ा हूँ? हारी, बकुल बस आते ही होगा, उसके आने का टाइम हो गया है। ठीक है, एक बना, मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ। मतलब बकुल कुछ करने लायक नहीं है, इसलिए शीना इस हैरी के करीब जा रही है। नहीं, बाबू विष्णु जी की उंगली कर। सॉरी जिग्ना, मैंने उंगली कटने का झूठा नाटक किया। जिग्ना, तू मुझसे बोलेगी ना अभी? बा, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जिगू, बा, इस चापली को बोलना कि मुझसे बात करे। प्लीज बा, प्लीज। अरे बेटा, तू तो जानता है ना, ये पाकी काठियावाड़ी है। अगर एक बार जिगू ने प्रण ले लिया तो फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनती है, तो ये बाकी कहाँ सुनेगी। बाप, बट उसका बोलना बहुत जरूरी है। मैं अभी तुझे उसका ना बोलना इतना अखर रहा है तो फिर उसे चुप क्यों कराया? अब पता चल रही है तुझे तेरी बाईडी की वैल्यू? हाँ यार, ये फिर से वही प्रॉब्लम आ गई इसमें। क्या हुआ? अरे इसमें वायरस आ गया अभी। चिंता लेकर टीम खराब है मेरा तो। कुछ सूझ ही नहीं रहा मुझे तो। खुली सोच का खुला नतीजा, रॉकी पहने चाचा भतीजा। छी, क्या गंदा लिख रहा हूं मैं। मैं अब ये जिगना जैसा कैसे सोचूं और कैसे जिंगल लिखूं मैं, कुछ समझ ही नहीं। उजड़ी बगिया में खिलेगा फूल, जोश और तंदुरुस्ती रहेगी बेजोड़, मिल जाएगा फिर खोया हुआ मर्दानगी का एहसास, हकीम ले लेगा से जानिए खुशियों का राज। ये अच्छा है, मिल जाएगा मर्दानगी का एहसास, रॉकी अंडरवेयर है झकास। छी, इतना गंदा लिख, मतलब सोच कैसे सकता हूँ मैं यार, ये जिंगल कैसे बनाऊंगा, मुझे कुछ समझ। जो से जवानी खो चुके पुरुष आज ही मिलिए, शर्तिया इलाज। ओए होए 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 होए, हकीम ले लेगा। देखा साहब जी, अब हो गया यकीन कि दामाद जी के अंदर कुछ कमी है। अरे भूत, बाहर जाके खेलिए, सब कांच के तोड़ देगा तू, जा ना। सुना डोडायो भूत, ये वरस क्या होता है? कंफ्यूजन। वरस ही मिटे वारिस होता है, जो खानदान को आगे बढ़ाता है। लेकिन तू तो ढोलू से बात ही नहीं कर रही है, पता नहीं मेरा खानदान कब आगे बढ़ेगा। समझी? नहीं समझी बा, और ये भी नहीं समझी कि वरस क्या होता है। विष्णु जी अपना कंप्यूटर यही छोड़ गए हैं, बोल रहे थे कि इसमें वरस आ गया है जिसके कारण वो इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं। अरे सर बेटा, वो वायरस नहीं, वायरस होता है वायरस। हाँ वही, अबे अभी समझी। कोकी,
तू तो कुछ और ही बोल रही थी। वारिस वारिस देखो सनोरिटा, वायरस एक कीड़ा होता है जो लैपटॉप को खराब कर देता है। अब लैपटॉप तभी सही होगा जब कीड़ा मरेगा, समझी? और समझ गई। प्लीज मैम, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। शट अप, जस्ट शट अप, उठो। तुम तो ऐसे गिड़गिड़ा रहे हो जैसे मैं तुम्हारी इज्जत लूटने वाली हूँ, अबला नारी। नहीं, चलो सालसा शुरू करते हैं हम लोग। सालसा? मैम ये सालसा वालसा मुझसे नहीं होगा। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगी। डोंट यू वरी, ओके? बकुल किसी भी वक्त आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्टार्ट। 1 2 3 4, स्टॉप। ये गरबा नहीं है जो तुम, सालसा है ये। मुझसे नहीं होगा, प्लीज मैम। शट अप। चलो नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। हाथ लो। नेक्स्ट स्टेप? हाथ ऐसे रखो। ओके, परफेक्ट। देखो हरी बकुल चल तो रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, तो अब हमें थर्ड डिग्री रोमांस ट्राई करना पड़ेगा। थर्ड डिग्री? अब मैं सालसा में थोड़ा डर्टी डांसिंग इंट्रोड्यूस करूंगी। डर्टी डांसिंग? जब बकुल तुम्हारे साथ मुझे डर्टी डांसिंग करते हुए देखेगा ना, तो वो इतना जलेगा कि तुम्हें जोर का तमाचा मारेगा। फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरा बेबी मुझसे कितना प्यार करता है। और मुझे जो तमाचा पड़ेगा वो? तुम तमाचे के बारे में मत सोचो, डर्टी डांसिंग के बारे में। चलो हैरी, डर्टी डांसिंग शुरू करते हैं। स्माइल। डर्टी डांसिंग? कहीं ऐसा तो नहीं कि शीना बेटिया हैरी के साथ कीचड़ में डांस करने वाली है? चुप करेगा कि तू फालतू बोल रहा है। लगता है बकुल की गई हुई मर्दानगी को वापस लाना ही पड़ेगा, वरना शीना हाथ से गई समझो। अब तो हकीम ले लेगा ही कुछ करेगा। वरस मतलब कीड़ा। अब इस कीड़े को तो मारना पड़ेगा, तभी तो विष्णु जी का कंप्यूटर चलेगा। अब इससे ये सारे कीड़े मर जाएंगे। ओहो, ये विष्णु जी बिना छारे के छारे छेद खुले रखते हैं, तो इसमें कीड़े तो घुसेंगे ही ना। कोई बात नहीं, इसका उपाय भी है मेरे पास।